अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। तो आपने देख लिया अबूबकर की रेसिपी, तो आज मैं अपने साथ रेसिपी शेयर करूँगी चाइनीज़ राइस की। चाइनीज़ राइस बनाना बहुत आसान और बहुत सिंपल से ईजी सी रेसिपी मैं अपने साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अबूबकर की रेसिपी को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो चलिए देख लेते चाइनीज़ राइस किस तरीके से बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें ले लीजिए जो चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मैंने कुछ मटर लिए हैं और ये बंद गोभी लिए है और ये गाजर लिए, इसको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया था और इसको मैंने बारीक बारीक से काट लिया था। और ये शिमला मिर्च लिए ग्रीन वाली, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। और ये दो अदद अंडे हैं और ये कुछ कुछ मसाले हैं जिनमें हसबे ज़ायका नमक है और ये वाइट पेपर है और ब्लैक पेपर है और ये एक चम्मच जीरा है और ये वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसके अंदर सोया सॉस वगैरह भी ऐड होगा, तो कौन कौन से सॉसेज ऐड होते हैं मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये सबसे पहले मैंने बर्तन ले लिए जिसके अंदर हम तैयार करेंगे। ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने भुनाई करनी है इसकी। तो अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर लेंगे। देखिए तो गाइस, अब हम इसके अंदर जो ये गाजर डाल देंगे। देखिए गाजर डाल दिया है और अच्छे तरीके से भुनाई कर दी इनकी। अब हम जो इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देंगे। ये साथ ही साथ जो हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, ये देखें। अब इसके अंदर एक अदर मीडियम साइज का मैंने टमाटर लिया, तो उसको ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से इन सब की भुनाई कर लेनी है। तो गाइस, अब इसके अंदर एक चम्मच मैंने सिरका दिया है और एक चम्मच मैंने सोया सॉस दिया है और इसके अंदर खुश्क मसाले ऐड कर देंगे। देखें, और इसके इन मसालों की अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है। पहले मिक्स कर लेंगे इन सबको। सो गाइस, अब इसको हल्की आंच पे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे और ये हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और हल्की आँच पे 5 मिनट के लिए हमने ढक देना है इसे। और अंडे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। फ्लेम जो हमने लो रखना है। सो गाइस, अब हम अंडे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। सो गाइस, ये देखिए मैंने ऑयल डाल लिया पैन में, अब इसके अंदर अंडे डाल देंगे। देखिए अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। और इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
गाइस ये देखिए ये अंडे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो गाइस ये देखिए बॉईल कर लिए थे हमने चावल, अब इसके अंदर ये चावल ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स में। सो गाइस ये देखिए अब इसके अंदर अंडे डाल देंगे हम और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। सो गाइस ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब डिश आउट कर देते हैं। सो गाइस ये देखिए हमने डिश आउट कर ली जो है नीज़, गाइस ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने मज़े के तैयार हुए हैं। आपने लाज़मी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अब ऊपर करिए रेसिपी का बेल आइकन, लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।